गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड फुल ऑन एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो गाइस, मैं अभी फिलहाल भाड़ा के इसलिए शूट कर रहा था क्योंकि अंदर काम चल रहा है फर्नीचर का। फाइनली फर्नीचर का काम स्टार्ट हो गया। जो कारपेंटर है वो आ गए हैं और उन्होंने बोर्ड कटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है। ये देखो, इधर लगे हुए हैं पहले से। तो पहले अभी किचन का काम होगा सारा का सारा। किचन में जो है एक टेबल बननी है, तो यहाँ पे एक क्रोकरी की अलमीरा बननी है, तो वो यहाँ पे लगेगी। और ये जो टेबल है, एक यहाँ पे टेबल बनेगी, उसकी थोड़ी हाइट ऊपर होगी और थोड़ी डिजाइन वाली, तो उस टाइप की। तो यहाँ पे फिर ओवन रख देंगे उस पर। ये जो है ऑफिस टेबल रखी हुई है अभी फिलहाल। तो ये देखो, अभी फिलहाल भैया जो है बोर्ड पे फेविकोल लगा रहे हैं प्लाई वगैरह लगाने के लिए। वैसे ऐसे पीछे लगे बैठ जाओ। अग्गे कहाँ रखी जा रही है इसमें, कहाँ से बीच में पाने की नहीं, पर दिक्कत होगी चलाने में। रहने दो, पीछे पकड़ लूँ। हम पापा और मैं आए थे यहाँ पे लकड़ियों के गोदाम पे, तो यहाँ पे प्लाई वगैरह देखने आए थे। लास्ट टाइम पे भी वाली प्लाई लेके गए थे, लेकिन ये कम पड़ रही थी और इसका थोड़ा कलर भी डार्क है। अभी चेंज करा के लेके जाएंगे, तो अभी डिजाइन देख रहा है वो वाइट नहीं है, पूरा हल्का सा थोड़ा सा येलो हिस्सा है, डार्क है अभी। क्रैक है इसमें ऊपर की साइड। सही है, क्रैक तो नहीं है इसमें। कर दो सील पैक। हो गया सामान पैक। यहाँ तो आग में चले जाए, यहाँ तो आग में चले जाए भाई। एक तो भाई ने चलो स्कूटी पे रखवा दो भैया। एक सेकंड, एक सेकंड बस छोड़ दो, चले आ जाओ। तो सारा सामान वगैरह लेके आ गए हैं जो आज चाहिए था फर्नीचर का। तूने आते ही इन सामान से खेलना शुरू कर दिया। टेबल किया है ये, तेरे काम की चीज नहीं है, रख दे इसे। क्या ना, क्या उठा, चल उठा उठा उठा। देख गया, देखो यहाँ पे सारा सामान फैला हुआ है ये जो यूज में आएगा। अभी फिलहाल टाइम हो गया अराउंड 4 PM और ऑलमोस्ट काम आज का खत्म हो गया है, कटिंग वगैरह और चिपका भी दिया हम साइड में रख रहे हैं भैया ये। और अब फिर कल को मेन फ्रेम बनना स्टार्ट हो जाएगा। और हमारी कार की लाइट्स अभी तक नहीं आई, आज संडे भी हो गया, ये बिना लाइट्स की खड़ी हुई है, तो पता नहीं कब आएगी, इसलिए हम कहीं जा भी नहीं पा रहे। पापा को भी अपने एक दो काम पोस्टपोन करने पड़े थे लाइट्स की वजह से। अगर वो उस दिन लगा के चला जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। सौरभ लाइट्स वाला कब लगा के जाएगा लाइट्स गाड़ी की? ठीक होगी वे? बोल रहा था, पता नहीं। अच्छा, पता ही नहीं ऐसा ऐसा क्या रदी हो गई। सो गाइज, अभी फिलहाल हो चुकी है पूरी रात, देखो अंधेरा छा चुका है अच्छे से आसमान में और टाइम हो गया है 7 PM। अब दिन जो है बहुत जल्दी ढलने लगा, सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी 10-15 दिनों में बहुत अच्छे वाली। और वैसे ही बारिश ने पहले से ही बहुत अच्छी सर्दियाँ कर रखी हैं। और मिस्त्री वगैरह तो सब निकल गए थे अराउंड 5 PM के ही, और उन्होंने अच्छे से सामान सारा लगा दिया था। ये देखो क्या पैकिंग करके गए हैं। तो ये कुछ बोर्ड्स थे जिन पर प्लाई लगाई थी, तो फेविकोल लगा के उन्होंने, देखो टेप भी लगा रखी है, दिख रही होगी, ये देखो टेप लगा रखी है पूरे पे, तो ये चिपक रही है अभी, सुबह तक बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। और फिर जो मिस्त्री है अपने आगे का काम स्टार्ट करेंगे। हाँ, क्या हो गया? ये देखो सूर्य की करामात, बिल्कुल घर के जो एग्जॉस्ट होता है ना, जो जिसमें गर्म हवा निकलती है उसके ऊपर सामान रख के आया सूर्य पूरा। पता नहीं क्या क्या रख के आया। एक तो शायद वो है जो मेज का पावा होता है ना, वो भी ऊपर रख के आ गया। किसका मारा सूर्य? क्या हो गया, क्या होते रहे पैर में, बैठ लग गया। चल को इंडिया भी ठीक हो जाएगा। तू मैगी खा ले, मैगी खा ले। मैगी क्या नाप रहा? अच्छे से नाप, अच्छे से दिखा दे, पकड़ूँ ऐसे। चल 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 जाओ, दूर जा, नाप 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 नाप, पूरा नाप, और खींच और खींच और खींच, चलो चलो चलो, और खींच और नीचे और चल, अब नीचे लगा। हाँ हाँ, देख कितनी लंबाई है, देख के बता कितने फुट है, जल्दी बता, देख के कितने फुट है? 10। रुके 10 फुट। चलो 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 चलो, रुक 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 रुक, मैं पास में लाऊंगा नहीं तो रात कट जाएगा फिर। चलो हो गया बस। तो भाई सोरे ने फाइनल कर दिया, 10 फुट की प्लाई है
वैसे तो हाइट कुछ और होगी लेकिन सुमन ने बताया 10 तो 10 है ना। बस नप तो गई और कितनी नप पे ना नप की बस चल। सूर्य तेरी बहन रो रही, चुप कर तेजे ऐसा करा चुप भाप करके अरे बदतमीज अब कर अब करिए चुप चुप कर तेजे अब नहीं करने का पापा गुजिया प्यारी गुजिया प्रिसा आज सब प्रिसा है गुडिया नहीं प्रिसा तो क्या है। सो गाइस अभी हो गया बहुत बड़े वाला घपला। अगर आपके यहाँ दो जन्माष्टमी पे हमने पतंग उड़ाई थी तो मैंने कुछ पतंग सूर्य को दे दी थी ताकि ये ना रोए और इसने लाके इस बेड के पीछे डाल दी जिसमें मेरा हाथ भी नहीं जा रहा। देखो ये देखो इतनी सी जगह है और पीछे शायद 5-6 पतंग पड़ी होगी तो अब इसे याद आ गई वो पतंग तो ये बोल रहा है निकालने के लिए। और बेड है बहुत ज्यादा भारी और ये नहीं हिलेगा यहाँ से। देखो कितना बड़ा बेड है बिल्कुल भी जगह नहीं है ना साइड में और ना ही उस साइड। तो अब समझ नहीं आ रहा कैसे निकाले इसकी पतंगे। क्या तू घुसेगा अंदर अंदर बैठ जा इधर से कोने से जा इधर से चल बम बम थोड़ी है उधर। ए कैसे निकल ले कैसे निकल ले पतंग बता बता कैसे निकल लेंगे। क्या मैं निकल लूं मैं कैसे निकल लूंगा मैं इतना छोटा थोड़ी हूँ अंदर कैसे घुसूंगा मैं। कैसे निकल ले भाई इधर से भी जगह नहीं है नहीं जगह बताओ यहाँ के कैसे घुसेंगे इतनी जगह में। तो अभी फिलहाल जो है इस लंबे वाली टंडे का प्रयोग करके देखते हैं इससे कुछ बात बनती है क्या। पतली भी है काफी वो तो बहुत पतली टंडी थी पर उसे ही बात नहीं बनी अब तो बेड ही हटाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और सूर्य रोने लग रहा है सूर्य सुबह निकाल लेंगे ठीक है अभी बेड हटाना पड़ेगा बेड नहीं हटने का ना अभी सुबह निकाल लेंगे तुझे नहीं दिलवा के लाऊंगा पतंग में ठीक है अब नहीं निकलने की सुबह निकाल लेंगे। हाँ रोवे ना चुप हो जा सुबह ले आऊंगा सुबह। फाइनली किसी तरह सूर्य को अब दूसरे काम में लगा दिया है अब ये एक्सपेरिमेंटल वीडियो देख रहा है जनरेटर एंड बैलून की नहीं तो ये तो जीना आराम कर देता रात को। तो गाइस अभी फिलहाल टाइम हो गया है 1 AM आपको पीछे घड़ी में दिख रहा होगा। तो अभी टाइम हो गया ब्लॉग को एंड करने का एडिटिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गई थी तो मैं बस अभी थोड़ा बहुत रील्स पे स्क्रॉल कर रहा था तो मेरा लैपटॉप पे भी स्क्रीन सेवर लग चुका है अभी। और आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है छोटा सा ही था तो ऑलमोस्ट पूरा दिन मैं पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था तो टाइम नहीं मिला ज़्यादा ब्लॉग शूट करने का। तो गाइज छोटा सा ब्लॉग है शॉर्ट एंड सिंपल आपको पसंद आएगा अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना आपका सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो आप लोगों से जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय।